नोटिस जारी हुआ है जांच के लिए, क्या किस प्रकार की जांच थी, क्या मामला था? ये ऐसा है ब्रदर, ये अपने जाटो समाज संघी का वास की जायदाद है, गुरु रविदास मंदिर है, हॉस्टल। 1972 में इसका ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ था, उसके बाद से एक ही परिवार बैठा हुआ आ रहा है इस पे, और इस पे ना तो मेंबर बनाने की प्रक्रिया की जाती है, ना चुनाव कराने की प्रक्रिया की जाती है। और जो लोगों का चंदा आता है या दुकानों का किराया, जो भी आमदनी होती है रविदास मंदिर की, उस आमदनी का खर्च करने का क्या तरीका है, ये जनता को नहीं बताया जाता। और जनता में ये विरोध है कि भी पता तो चले कि चंदा खर्च करने का तरीका क्या है, किस तरह से खर्च करते हैं, कितना लगाई थी कहां पे की। हाँ, तो इस पे हमने डीसी साहब को एक शिकायत दी थी कि इसका हमारे रविदास मंदिर का एक बैंक अकाउंट SBI सर्कुलर रोड रिवाड़ी में खुला हुआ था, जो 2011 में बिना किसी कारण के उस खाते को बंद कर दिया गया, और बंद करके उसमें 11,42,000 रुपए की जो राशि जमा थी उसको निकाल लिया, और निकालने के बाद में और एक अनजान आदमी को जो ना रविदास ट्रस्ट का मेंबर है ना पदाधिकारी है उसको वो पैसा दे दिया गया। तो अब उसकी तो जांच होनी चाहिए ना, तो हमने जिला रजिस्ट्रार को शिकायत की थी, तो उसने अपनी मजबूरी जाहिर की कि 2012 में एक्ट है। अब जो जांच का नोटिस जारी हुआ है वो कब है जांच और किसके पास है? तो SDM DC साहब ने SDM साहब को दी। SDM साहब ने 26 तारीख को शाम को 3 बजे सबूतों के साथ हमें बुलाया, हम जाएंगे अपने सबूत पेश करेंगे। कोई नोटिस नहीं मिला है और ना ही कोई SDM साहब ने है ना चुनाव के आदेश दिए हैं। ये अखबार वाले ने है ना गलती मानी है कि मेरी तरफ से है ना ये गलत न्यूज लगी है। नोटिस अभी तक आपके पास आया नहीं, 2 दिन शेष बचे हैं। नोटिस नहीं आया अभी, हमें नोटिस नहीं मिला। किस प्रकार का नोटिस था, किसने शिकायत की थी? अभी शिकायत में तो है ना ये नरेंद्र पीपल एडवोकेट है, ऐसे लोगों ने शिकायत करी है जिन्होंने मकबूजा चमारान की जगह को अपनी जगह समझकर उस पे केस किया, और हम लोगों ने उसको 3 जगह हराया, यहाँ सेशन में हराया, चंडीगढ़ हराया। ये बात बता रहे हैं कि मंदिर में घोटाला किया हुआ है उन्होंने, पैसे के बारे में पैसा गबन किया हुआ है, उसको लेकर रजिस्ट्रार ऑडिट भी नियुक्ति की गई है। हमने रजिस्ट्रार को कह दिया था जी हमारा पाक साफ हिसाब है, एक एक हमारे हर साल की ऑडिट होती है, और हमारी करीबन हमने जब ये संभाला था, मैंने 4 मई 2014 में गुरु रविदास मंदिर हॉस्टल का मैं प्रधान बना, तब इस हॉस्टल की और हमारी आमदनी 5-5.5 लाख के आसपास थी। उसके बावजूद हमने जितने भी हमारे मेरे मिलने वाले थे, हमारी टीम के मिलने वाले थे, हमने करोड़ों रुपए की लागत से गुरु रविदास मंदिर भवन ये बनवाया है। कहीं ना कहीं ये मंदिर अपने कब्जे में लेने की बात कर रहे हो, या कहीं इसमें पीछे कोई शरारती तत्व लग रहे हो जो शिकायत करता है? इसमें ऐसे ही लोग हैं जो मोहल्ले के अंदर जांगड़ा ब्राह्मण धर्मशाला पे कब्जा किए बैठे हैं, मकबूजा चमारान की जगह को हड़पने के चक्कर में किसी को 20 लाख का, किसी को 30 लाख का, किसी को 40 लाख का लालच दिया, उसके ऊपर पानी फेरा। अभी तक जो मृत विधवाओं की पेंशन खा रहे हैं और जो कि शराब का धंधा करता था, ऐसे आदमी इसमें है जिनका 10 पैसे भी नोटिस जारी नहीं हुआ हमारे को, है ना जी। तो बिगर नोटिस आप जाओगे भी नहीं? बिना नोटिस कैसे जाएंगे, और नोटिस आएगा तो बकायदा उसका जवाब देंगे। हमारे पास में एक एक पैसे का हिसाब है जी, और हमारी ये हर साल की ऑडिट होती है, और हमने तो ईमानदारी के साथ में इस भवन को और गेट को ऐसा बना दिया है कि पूरे समाज में
और आसपास के।